हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द सिलेबस ऑफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। तो उसके पहले मैं बताना चाहूँगा, आप लोगों ने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा फोर्थ सेमेस्टर में जिसका नाम था प्रोडक्शन प्रोसेस, और सिक्स सेमेस्टर में क्या पढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। मतलब क्या है कि ये दोनों ही सब्जेक्ट आपके अलग है, ठीक है। प्रोडक्शन प्रोसेस क्या क्या होते हैं, मतलब जैसे आपने फोर्जिंग पढ़ा होगा, वेल्डिंग, कास्टिंग, एक्सट्रूजन, ये सारे प्रोडक्शन के प्रोसेस हो गए आपके, ठीक है। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी क्या होता है, मतलब कि आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कैसे प्रोडक्ट को बनाने जा रहे हो, ठीक है। और भाई आप प्रोडक्ट जब बनाओगे, ऐसा थोड़ी कि कोई भी प्रोडक्ट आप बनाओगे और भाई मार्केट में आपको जो आपके कस्टमर होते हैं उसको परचेज़ करने लगेंगे, भाई उसमें एक क्वालिटी होती है, ठीक है। और एक परचेज जिस अमाउंट में आप मतलब वहाँ पे सेल करोगे, जिस प्राइस में आप सेल करोगे, वो भैया एक कम्पिटिटिव प्राइस होना चाहिए मार्केट में। तो वो सब सारा चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के हेल्प से भैया, कि कैसे ये सब सारा चीज़ पॉसिबल है। और एक चीज़ क्या है कि ये जो आपका प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, ये एक्चुअली में भैया जब आप बीटेक करते हो तो इस सब्जेक्ट का नाम होता है वहाँ पर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ठीक है। और एमटेक में भी भैया एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का, लेकिन इसमें क्या किया गया ना, आपका प्रोडक्शन जो टेक्नोलॉजी है इसमें आपको एक लिमिटेड कुछ सिलेबस ऐड कर दिया गया है, ठीक है। फर्दर जब आप बीटेक करते हो तब जाके आप उसको वहाँ पे कंप्लीट नॉलेज लेते हो, ठीक है। ये मत समझना कि यार प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी यहाँ से पढ़ ले रहे हैं तो ओपी खन्ना वगैरह की अच्छे अच्छे राइटर की बुक उठा लूँगा और पूरा मैं पढ़ जाऊँगा। भैया दिमाग में बैठा लेना, R&D जिसको बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आपको आपके सब्जेक्ट में नहीं करना है, आपको सिर्फ हर एक सब्जेक्ट का इतना नॉलेज रखना है कि भैया सेमेस्टर में भी अच्छे कर जाओ और कंपटीशन के एग्जाम में भैया एग्जाम भी निकाल लो, समझ रहे हो मेरी बात। तो चलिए हम लोग समझते हैं भैया, सिलेबस का ओवरव्यू देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है आपका, प्रोडक्शन सिस्टम। तो एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि भैया प्रोडक्शन होता क्या है, एक प्रोडक्शन होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग होता है। सबसे पहले तो बहुत सारे लोग इसका डिफरेंस नहीं पता नहीं होता कि भैया इसका दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। ये सब सारा चीज़ यहाँ पे पढ़ते हैं, प्लस हम लोग इस टॉपिक में ये समझते हैं कि यार जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो कहाँ पर बनेगा भैया, किसी इंडस्ट्री वगैरह में बनता होगा या किसी प्रोडक्शन हाउस में बनेगा, तो वहाँ पर मशीन्स वगैरह जो होता है भैया, तो उसको कैसे मतलब डिज़ाइन कैसे होता है, उसका इंस्टॉलेशन कैसे होता है, मतलब इंडस्ट्री के अंदर उसका काम कौन करेगा, जैसे उसका काम करता है इंडस्ट्रियल इंजीनियर काम करता है, ये समझना रहता है। फिर जैसे कि मान लो जब प्रोडक्शन आपका कंपनी का स्टार्ट हो जाता है तो भैया आप जो प्रोडक्ट मान लो कोई भी चीज़ बनाने जा रहे हो तो भैया कहीं से कुछ मटेरियल लेके आते हो, जैसे रॉ मटेरियल लेके आओगे, फिर उसको कैसे कन्वर्ट करोगे, तो ये सब सारा चीज़ आपको यहाँ पर समझाया गया, ठीक है। और जब आपका प्रोडक्शन चल रहा होगा उस टाइम जो बंदा सारा एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा होगा, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर जो होता है, ये सब सारा काम को संभालता है कि भैया कहाँ से मटेरियल आने वाला है, कैसे पूरा प्रोडक्शन सिस्टम को संभालना है, तो ये सब कुछ सारा चीज़ यहाँ पे पढ़ने वाले हो, ठीक है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जैसे कि आपका यहाँ पे ब्रेक इवन एनालिसिस, मतलब प्रोडक्शन मैनेजर के पास एक मतलब ऐसा टूल होता है जिससे वो ये समझ सकता है कि यार कि मुझे मतलब एटलीस्ट कितना नंबर ऑफ यूनिट हम बना लेंगे भैया, ताकि वो कंपनी आपकी लॉस में ना रहे, समझ रहे हो आप। तो ये सब सारा कुछ हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। सेकेंड यूनिट आपका क्या है कि सेकंड आपका है प्लांट लोकेशन, प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग। अब देखो यार, कोई भी चीज़ आप प्रोडक्ट बनाने भी जा रहे हो ना, तो उसके लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए, मतलब वो किसी प्लेस में बनेगा, मतलब किसी जगह में बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब प्लांट का सिलेक्शन करना पड़ेगा। बट डिपेंडिंग अपॉन योर यूटिलिटी, जैसे मुझे अगर चाहिए हाइड्रो पावर प्लांट मान लो एस्टेब्लिश करना है, तो हाइड्रो पावर प्लांट भैया मैं वहीं पर एस्टेब्लिश करूँगा जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर मुझे सोलर पावर प्लांट लगाना है तो भैया जहाँ पर सन की रेज ज़्यादा आएगी वहीं पे तो मैं सोलर पावर प्लांट लगाऊंगा। तो ये सब सारा चीज़ प्लांट का लोकेशन कैसे चूज़ करोगे, कैसे वहाँ पर गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज होती है, ये सारा चीज़ आप लोग यहाँ पर सेकंड यूनिट में पढ़ने वाले हो, ठीक है। थर्ड यूनिट की बात करता हूँ प्रोडक्शन प्रोसेस प्लानिंग। अब जैसे मान लो कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, तो भैया किसी न किसी प्रोसेस से वो बनता है, ठीक है। तो आप प्रोसेस जब चल रहा होगा कंपनी के अंदर, मतलब प्रोडक्शन हाउस के अंदर, तो भैया कैसे प्लान करोगे, कैसे उसको एग्जीक्यूट करोगे कि भैया आपकी कम लागत में अच्छा से अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट निकल के आ जाए भैया और कंपनी फ़ायदे में रहे, ये सब सारा चीज़ पढ़ने वाले हो भैया आप थर्ड यूनिट में। फोर्थ की बात कर रहा हूँ ये क्या भैया, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। अब जैसे कि मान लो मुझे आप जैसे भी क्लास मान लो पढ़ने के लिए आते हो, तो भैया आप क्या करते हो भैया, चलो क्लास में आए, क्लास में आपने सब कुछ पढ़ लिया, फिर घर पे जाके अपना एक प्लान बनाओगे, और उस प्लान को भैया अगर आपने सही से प्लान बनाया कि यार कि मुझे आज इतने दो घंटे पढ़ के ये सारा चीज़ खत्म करना है, तो आप क्या करते हो, पहले प्लानिंग करते हो फिर उस प्लानिंग को कंट्रोल करोगे। तो ये सारा चीज़ पढ़ने वाले हम लोग यूनिट 4 में, ठीक है।
उसके बाद आपका आता है क्या यूनिट 5, जिसको बोलते हैं वर्क स्टडी। वेरी इंपॉर्टेंट भैया, बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। वर्क स्टडी जिसका दो पार्ट होते हैं उसको बोलते हैं मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट बोलेंगे, ठीक है। और ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे वर्क स्टडी में यही पढ़ते हैं कि मान लो कोई भी मेथड के हेल्प से आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, लेकिन सपोज करो यार जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो मतलब कस्टमर को सेटिस्फाई दे ही नहीं पा रहा है, तो इस यूनिट की हेल्प से हम लोग ये समझेंगे कि व्हाट आर द मतलब क्या क्या ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल के आ रहे हैं कि भैया जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ वो कस्टमर को सेटिस्फाई क्यों नहीं हो पा रहा है। तो भैया वो सारे हम लोग यहाँ पर मेथड को चेक करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ वर्क स्टडी, और सारे प्रॉब्लम को यहाँ पर हम लोग एलिमिनेट कर देंगे यूनिट 5 में, ठीक है। 6 क्या हो गया, इन्वेंट्री कंट्रोल। देखो इन्वेंट्री क्या होता है, ये एक ऐसा सामान होता है भैया जिसको आप होल्ड करके मतलब अपने पास रखते हो और फ्यूचर में इसका यूज़ करते हो। सिंपल सी बात है, अगर आप मान लो मार्केट से दो पेन लेके आए हो, एक यूज़ कर रहे हो और एक रख लिया अपने घर पर, तो जो एक जो आपने पेन रखा ना घर पर, ये भी आपके लिए एक इन्वेंट्री ही है। तो यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं कि भैया इन्वेंट्री का मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी कॉस्ट कौन कौन से होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, और आपका यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनेगा, इससे 5th और 6th दोनों से न्यूमेरिकल बनने वाले हैं, ठीक है। जिग एंड फिक्चर क्या होता है, जिग एंड फिक्चर कुछ ऐसे मतलब आपके डिवाइसेस होते हैं जब आप प्रोडक्शन प्रोसेस करोगे तो भैया ये आपकी एफिशिएंसी आपके सिस्टम की बढ़ा देती है, मतलब आपकी ज़्यादा एक्यूरेट मतलब आप वहाँ पे प्रोडक्ट वगैरह बना पाओगे, तो ये आपको वहाँ पे ये हेल्प करने वाला है, ठीक है। लास्ट यूनिट क्या, मॉडर्न ट्रेंड्स। भैया बहुत इंपॉर्टेंट, जब इस आप पढ़ोगे इसको तो देखना रियल लाइफ में भी जो आपकी प्रॉब्लम्स होती है ना भैया, यही से सॉल्यूशन इसको निकलने वाला है। देखेंगे कि भैया जापान की कौन कौन सी ऐसी टेक्निक होती है, क्यों वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मतलब बना पाते हैं जो कस्टमर को भी सेटिस्फाई करता है, ये सब कुछ हम लोग कहाँ समझने वाले हैं भैया, मॉडर्न ट्रेंड्स में समझेंगे, ठीक है। तो ये पूरा आपका ओवरव्यू हो गया आपका पूरा वीडियो मतलब प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।